दोस्तों बिहार डीएलएड नामांकन के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। यदि आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं और आपका रिजल्ट आया है तो आपको सबसे पहले चॉइस फिल करना होगा, उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में आप जाकर के एडमिशन लेंगे। तो इस प्रक्रिया में आपको कैसे कैसे क्या करना होगा इनके बारे में तमाम जानकारी आपको मिलेगी। आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, इसमें कुछ पेमेंट कटते हैं, कॉलेज का चुनाव करना पड़ता है। सारे स्टेप्स को इसमें हमने शुरू से अंत तक बताया है आपको, लॉगिन से लेकर के प्रिंट तक हमने आपको करके दिखाया कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे आपको कॉलेज का चुनाव करना है, कैसे आपको प्रिंट करके इसको रख लेना है। सबसे बड़ी समस्या तो लॉगिन में, तो लॉगिन के बारे में हम लोग समझते हैं पहले, लॉगिन में क्या समस्या आती है, उसके बाद पेमेंट में समस्या आती है और उसके बाद आपको कॉलेज का चुनाव करने में समस्या आती है। तो तीनों जगह पे हमने उसको हाईलाइट करके आपको स्पेशली समझाते हुए आगे बढ़े हैं ताकि आप अपने खुद से भी मोबाइल में या फिर घर में लैपटॉप से इजीली इस चीज़ों को कर पाएंगे। आपको किसी कैफे में जाकर के 150 रुपये ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जाना होगा इसकी वेबसाइट के ऊपर, जो वेबसाइट का लिंक आप हमारे जो वीडियो है इसके बीचों बीच यहाँ पर आप देख पाएंगे या यहाँ पर भी देख पाएंगे या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के उसको कॉपी या क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का पेज जब खुल जाता है, यही लॉगिन पेज है, यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ता है। साइन इन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड की जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें आपको क्या डालना होता है, यहाँ पर बोर्ड ने लिखा है, देखिए यहाँ पर यूज़र नेम के तौर पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड के तौर पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो आपको एप्लीकेशन नंबर आपके जो रिजल्ट कार्ड है या आपका एडमिट कार्ड है या फिर आपका जो ऑनलाइन आवेदन आपने किया था पहली बार उसका रिसीविंग में भी होगा। तो आपको एप्लीकेशन नंबर इस तरह से हो सकता है, एप्लीकेशन नंबर कोई जरूरी नहीं है कि 25 से शुरू हो, आपका कुछ भी से शुरू हो सकता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। खड़ा करेंगे कि ये कहां से आएगा, तो आपको रिसीविंग में आप देख लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको डेट डालना है पहले, उसके बाद स्लैश डालना है, फिर मंथ डालना है दो डिजिट में, फिर स्लैश डालना है, फिर आपका ईयर डालना है। वो दोनों चीज़ यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होता है। लॉगिन क्लिक करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ की जरूरत पड़ती है। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिख जाता है जहाँ की आपका फोटो, यहाँ पर आपका साइन, यहाँ पर आपका कंप्लीट कैटेगरी है, आपका डिटेल्स, आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम क्या है, माँ का नाम, पापा का नाम, एड्रेस, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका जेंडर कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है और आपका कितना कौन सा रैंक आया यहाँ पर भी आपको स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। उसके बाद इस पेज पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले ही पेमेंट आपको, जैसे लॉगिन करते हैं आप तो आपको सिर्फ पहले पेमेंट ही करना होता है, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। बिहार सरकार के लगभग जो भी फॉर्म हमने देखा है कि सब में आपको पहले पेमेंट भी करा जाता है, लगता है कि डर है कहीं भाग रह जाए विद्यार्थी। तो यहाँ पर पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेक पेमेंट 500, ये 500 रुपया दिख रहा है क्योंकि ये कैटेगरी ईबीसी के हैं, जनरल, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए 500 का पेमेंट है। वही यदि एससी और एसटी और डीक्यू भाई बंधु हैं उसके लिए 350 का यहां पर पेमेंट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी HDFC बैंक का सर्वर से ये पेमेंट लेंगे, हो सकता है आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे इंडियन बैंक या किसी और बैंक का भी सर्वर दिखे, उसको आपको सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपको जाना सिंपली इसके ऊपर, मेक पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपको ये पेमेंट सर्वर पर लिया जाता है जहाँ की आपको पेमेंट मोड दिखता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर भीम UPI का QR कोड से आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। सारे मोड बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। हमने सारे मोड को ट्राई करके देखा कि कोई भी मोड अभी आपका न फंस रहा है, पेमेंट न कुछ हो रहा है, इजीली आपका पेमेंट हो जाता है। लेकिन UPI QR वगैरह जब यूज करें, UPI या ये QR, तो आपको ध्यान रखनी है कि आपका नेट ना कटे, नेट बिल्कुल स्पीड अच्छा खासा हो। शाम का समय हम जब भी कर रहे हो तो खास करके नेट का स्पीड घटता है, तो उस समय इसको यूज ना करें तो बेहतर है, ठीक है। और हालांकि सबसे बेहतर मोड आपका नेट बैंकिंग का होता है, हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, इसका जो टर्मिनल चार्ज है वो ज्यादा है इस पे, ठीक है। सबका अलग चार्ज है, इस पे मान ले 14-15 रुपए एक्स्ट्रा कट जाता है, इस पे भी 11 रुपए ज्यादा कटता है, इस पे भी 11-12 रुपए ज्यादा कट जाता है। जो भी मान लीजिए 500 का पेमेंट है आपको, तो 511-12 रुपए आपको पेमेंट कटेगा, इसमें आपको 515 रुपए कटेगा, इसमें आपको और ज्यादा कटेगा। तो आपको वो जो गेटवे चार्ज है, टर्मिनल चार्ज है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, तो आपको 500 से ऊपर भी चार्ज देना पड़ेगा। तो जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है आप उसको पेमेंट कर लेंगे।
पेमेंट करने के बाद जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो सक्सेसफुल होने के बाद आपको इस तरह का पेज दिख जाएगा जहां की आपका कंप्लीट डिटेल्स आपको दिखेगा। ये आपका डिटेल्स आप इसको वेरीफाई कर ले, चेक कर ले। हालांकि इसमें सही करने की कोई जरूरत है नहीं, आपको जब पहले के भरे हुए चीज है वही चीज यहाँ पे कॉपी हुआ है और यदि गलती भी हो चुका है तो उसको आप सही नहीं कर पाएंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, जो ग्रीन कलर का नेक्स्ट नीचे दिख रहा है आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका फोटो और आपका साइन यहां पर दिख जाएगा, आपका ही है, तो आगे बढ़िए। फिर आपको नीचे में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह का 10th और 12th का आपको डिटेल्स दिख जाएगा, जहां कि आपको 10th कब किया है, 12th कब किया है, पासिंग ईयर, और उसका आपको रोल कोड दिखेगा, रोल नंबर दिखेगा, और आपको कितना नंबर किस में लाए हैं, कौन सा डिवीजन किए हैं, आपको 10th 12th का ये डिटेल्स आपको दिखेगा यहां पे। उसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना, सिर्फ आपको देखना है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। गलती भी है तो उसको गलती ही छोड़ देना, क्योंकि आपको यहां पर चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर मेन चीज जो आती है, कॉलेज का सिलेक्शन, सबसे बड़ी बात है, इसको इस सेक्शन को आप बहुत गौर से सुनेंगे। कॉलेज का सिलेक्शन, जैसे कि अप्लाई करने के समय में बहुत रीमा उठा था कि हल्ला उठा था कि जो लोग डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट चुने हैं उसको उसी डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ कॉलेज मिलेगा, तो लोग क्या किए थे, आपका डिस्ट्रिक्ट अररिया तो आप चुन लिए थे पटना, क्योंकि पटना में बहुत सारे कॉलेज है। तो ये गलती जो बंदा कर चुके हैं उसको भुगतान भुगतना पड़ेगा, उसको उसका फॉर्म गलती हुआ है, फिर बाद में वेरिफिकेशन में समस्या खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सुपौल जिला के लोग हैं और लिख दिए हैं आप रोहतास, तो ऐसा नहीं है, आपका जो जिला वही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऐसा भी कंडीशन नहीं है कि आप जिस जिले के लोग हैं उसी जिला के डाइट में आप कर पाएंगे, आप पूरा पूरा ऑल ओवर बिहार में किसी भी डाइट में एडमिशन आप ले सकते हैं, उसके लिए किसी भी डाइट के लिए यहां पर चॉइस फिल कर सकते हैं। देखिए सबका यहां पर लिस्ट दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। एक चीज को और समझते हैं, इसमें कितने कॉलेज चुनने पड़ेंगे और कितने कम से कम कितने बहुत से बहुत आपको चुनने पड़ेंगे। देखिए मैक्सिमम 30 कॉलेज चुनने पड़ेंगे और मिनिमम आपको 5 कॉलेज चुनने पड़ेंगे, कम से कम आप 5 आपको चुनना ही पड़ेगा। अब बहुत से बहुत यदि आपको चुनने का मर्जी है तो आप 30 चुन सकते हैं, 30 से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन सो आप सब का सब चुन लीजिए भैया, कहीं हमको दे दो चल जाएंगे हम, सो नहीं है, आपको मैक्सिमम 30 और मिनिमम 5 आपको चुनना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपको इसमें एक बात और समझते हैं क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेलेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि जो आप पहला बार चुनेंगे वही आपका इसमें फर्स्ट नंबर पे होगा। मान लीजिए कोई बंदा डाइट फॉरबिसगंज, मान लीजिए ये ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहां आ जाएगा ये ऑप्शन और यहां से वो हट जाएगा, तो ये उसका चॉइस नंबर 1 हो गया। फिर मान लीजिए इसको ये यहां पर ले लिया तो ये ऑप्शन नंबर 2 पे हो जाएगा, ये 1 पे हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इस चीजों के बारे में आपको रिसीविंग में दिखाएंगे, कुछ उल्टा पुल्टा भी होता है तो उसके लिए घबराएंगे नहीं, हम आपको लास्ट में कंसेप्ट क्लियर कर देंगे ये क्यों होता कैसा होता। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, अभी कॉलेज का चुनाव, चुनाव करने के लिए आपको क्या करना है, बारी बारी से जो भी कॉलेजेस आपको लेने हैं उस पर यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से कॉलेज हट करके यहाँ आपका आ जाता है लिस्ट में, जिस हिसाब से आप लेंगे उसी हिसाब से इसमें आपका प्रेफरेंस हो जाएगा। आपको मिनिमम 5 लेना ही है, मैक्सिमम आप 30 ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको एक ही जिले से लीजिए, आप मल्टीपल पूरा बिहार के किसी भी जिले से आप ले सकते हैं, सरकारी लेना हो, प्राइवेट लेना हो, जो भी लेना हो। अब बात करते हैं कि सरकारी और प्राइवेट का चुनाव कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे हम, तो मोटा मोटे तौर पे आपको हम बता देते हैं इसका पहचान के लिए। जिसमें DIET लिखा हुआ है तो ये सरकारी हो जाता है किसी भी जिले के लिए, देखिए इसमें भी DIET लिखा हुआ है, और लगभग लगभग एक जिले में एक ही DIET है वो सरकारी होता है और सब प्राइवेट है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप चुनेंगे, तो आपको यदि पहले सरकारी चुननी है तो पहले DIET वाला जो भी कॉलेज है सब चुनेंगे, उसके अलावा जो भी और कॉलेज है आपको वो चुन लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि सभी जिले में जो है ये DIET का जो ट्रेनिंग सेंटर वो है ही, जैसे कि मान लें सुपौल जिला में नहीं है तो बहुत सारे जिले में है जो कि नहीं है, या किसी जिले में एक तो है, मान लें कहीं एक तो है कहीं है भी नहीं, इसी हिसाब से उसका आप चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सीधे कॉलेज पर क्लिक करना होगा, ये आपको इस साइड में आ जाता है। ऐसे करके देखिए हमने एक किया है, मान लें यहाँ पर फॉरबिसगंज था उसको क्लिक किया तो ये इस साइड आ गया, ठीक है, यहाँ से गायब हो गया। उसी हिसाब से आपको जो जो लेना है स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आप, आपका सभी जो कॉलेजेस हैं आपको वो दिख जाएगा। और आपको देखिए औरंगाबाद लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपका औरंगाबाद का जिला है, ठीक है। उसके हिसाब से जब नीचे आएंगे तो आपको सभी जिले का नाम ऊपर लिखा हुआ, उसके हिसाब से आप क्लिक कर करके इधर आ जाएंगे। सब का चुनाव करने के बाद, जैसे कि मान लीजिए हमने इस स्टूडेंट का क्या चुना है, 20 कॉलेज चुना है, यहाँ पर लिखा हुआ 20 कॉलेजेस सेलेक्टेड, यू कैन सेलेक्ट मिनिमम 5 कॉलेज और मैक्सिमम
30 कॉलेज यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर 20 कॉलेज चुने हैं, यहाँ पर ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर हमने 20 कॉलेज चुन चुके हैं, ठीक है। यदि आपको हटाना भी है तो यहाँ पर सिर्फ आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हट के यहाँ पर आपको आ जाएगा रिप्लेस, यहाँ आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हैं। सभी चुनाव करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट पे ऊपर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा कॉलेज सेलेक्टेड ऑप्शन आएगा। यहाँ पर कुल 20 कॉलेज चुने गए हैं अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की समीक्षा करने के उपरांत सहेजे, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि आप टोटल 20 कॉलेज आर सेलेक्टेड, रिव्यू योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेव। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, फिर सेव करिए, ठीक है। इस पे ओके करेंगे हम लोग। ओके करने के बाद इस पेज को आपको देखना होगा, समझना होगा। समझने के बाद आप नीचे जब आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सब का सब दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पर अल्फाबेट के हिसाब से दिखेगा। आपने चुना था फर्स्ट नंबर में कुछ और, सेकेंड में कुछ और, थर्ड में कुछ और, लेकिन यहाँ पर आपको उल्टा पुल्टा दिखेगा, जो कि आपको ऑलरेडी अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज कर दिया जाता है। और आपको यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दिख जाता है कंप्लीट चीज़ों को देखने समझने के बाद। यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट डिक्लेरेशन एंड सेव माय, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है सेव माय डिटेल्स के ऊपर। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखता है, जहाँ की कंप्लीट आपका काम हो जाता है। और यहाँ पर प्रिंट करके इसको आप सेव कर लेते हैं या फिर प्रिंट कर लेते हैं, ये भविष्य में आपको काम आ सकता है। यही कंप्लीट प्रोसेस है। इसके बारे में कैसे इसके आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, छोटी सी प्रक्रिया थी। यदि आपको अभी भी कहीं दिक्कतें आ रही है तो मुझे कमेंट करिए, हम अपने नॉलेज से आपको प्रयास करेंगे हेल्प करने का। धन्यवाद।